नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे सुपर क्लास स्पीशीज। सुपर क्लास स्पीशीज साथियों, ये टॉपिक एमएससी फिश बायोलॉजी वालों के लिए, एमएससी जनरल पेपर के लिए और साथ ही साथ बीएससी पार्ट थर्ड के फाइव पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सुपर क्लास स्पीशीज, इसमें अपन जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, इसके बाद क्लासिफिकेशन। सुपर क्लास स्पीशीज के अंदर सारी फिश आती है। फिश के जनरल कैरेक्टर होते हैं, फिश की डेफिनेशन होती है फिश इज एन एक्वाटिक पॉलीथर्मस या वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट इन विच पेयर्ड लिम्ब्स आर रिप्लेस्ड बाय पेयर्ड फिन्स। यानी फिश जलीय प्राणी होते हैं जिनका असंतापी प्राणी है और जिनमें फिन्स पाए जाते हैं। फिश की बॉडी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, हेड, ट्रंक एंड टेल, दैट इज नेक इज एब्सेंट, इनमें गर्दन नहीं होती है। बॉडी स्ट्रीमलाइन फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्किन के अंदर मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड पाए जाती है। इसके अलावा फिश पर एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं जो प्लैकोइड होते हैं या साइक्लोइड, टीनोइड या गैनोइड हो सकते हैं। प्लैकोइड स्केल पॉजिटिव में, बाकी ये तीन ऑस्टिकिटीज में पाई जाती है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, गिल्स के द्वारा होते हैं और गिल्स स्लिट्स पाई जाती है। उसके अलावा बॉडी के अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं लिम्ब्स के बजाय। पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं, जबकि अनपेयर्ड में डोर्सल और वेंट्रल और पाउडर फिन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। फिश की स्पेशली शार्क की इंटेस्टाइन में स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे स्क्रॉल वाल या स्पायरल वाल कहते हैं। ये इसकी एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाते हैं। उसके अलावा फिश के अंदर 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है। बाकी वर्टिब्रेट्स यानी फिश और एम्फीबिया में 10 पेयर्स होती है, रेप्टिलिया एवियो मैमेलिया में 12 पेयर्स होती है। किडनी मेजोनेफ्रिक होती है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। फिश के अंदर स्केलेटन जो होता है कंकाल कुछ मछलियों में उपास्थि का बना होता है, ऐसी फिशेज को कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं। कुछ के अंदर बोन्स का बना होता है, ऐसी फिशेज को बोनी फिशेज कहते हैं। कुछ फिशेज के अंदर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पाया जाता है जैसे एनावास। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। शार्क के मेल के अंदर प्लेस पर पाया जाता है जो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ज्यादातर फिशेज ओविपेरस होती है, अंडे देती है, लेकिन शार्क जो होती है वो विविपेरस होती है। फिश के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा अवस्था नहीं होती है, केवल कुछ फिश में होती है जैसे इसके अंदर एंगुला एंगुला के अंदर। इसके अलावा इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको एनएम्नियोन्स के अंदर रखा गया है। ये थे सारे जनरल कैरेक्टर। अब आते हैं फिश का क्लासिफिकेशन। फिश का जो क्लासिफिकेशन होता है इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया, जैसे बर्ग, रोमर, मूलर, गॉडरिच। इन सबके क्लासिफिकेशन को अगर मर्ज किया जाए तो मोटे तौर पर फिश के तीन क्लासेज होती है, प्लैकोडर्मी, कॉन्ट्रिकिटी और ऑस्टिकिटी। इसमें से प्लैकोडर्मी, जैसे टेबल बनानी है आपको, प्लैकोडर्मी, कॉन्ट्रिकिटी और ऑस्टिकिटी। इसमें से प्लैकोडर्मी जो है वो अब विलुप्त हो चुकी है, केवल दो ही क्लासेज पाई जाती है। प्लेकोडर्मी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो प्लेकोडर्मी के ऊपर एक लाइन में बोले तो देवर फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट, ये प्रथम जबड़ा युक्त कशेरुकी प्राणी होते हैं जो जिसके अंदर क्लीमेटियस आता है, कॉन्ट्रिबिटीज में उपास्थिल मछलियाँ और ऑस्टिबिटीज में अस्थिल मछलियाँ आती है। प्लेकोडर्मी जो है अभी देखा एक्सटिंक्ट फिशेज है, इनको आर्म्ड फिशेज भी कहते हैं। मोटी मोटी बोनी प्लेट्स पाई जाती है और एंडोस्केलेटन बोनी होता है, हेट्रोसर्कल टेल होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लीमेटियस, ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये इनके फॉसिल जीवाश्म के हैं जो अभी विलुप्त हो चुके हैं प्लैकोडर्मी के। अब आते हैं कॉन्ट्रिकिटी क्लास टू या क्लास टू ब्रेंचाई भी कहते हैं इनको। ये फिशेज जो होती है ये केवल समुद्री जल में पाई जाती है। एक्सोस्केलेटन इनके अंदर प्लैकोड स्केल्स होता है। एंडोस्केलेटन जैसे नाम से पता चलता है इनमें उपास्थि का बना होता है। माउथ इनमें वेंट्रल माउथ होता है। 5-7 पेयर गिल्स पाए जाते हैं जो नेकेड होते हैं, यानी ऑपरकुलम नहीं होता है। हेट्रोसर्किल टेल होती है, पूंछ जो होती है दोनों लॉब्स असमान होती है इसलिए हेट्रोसर्किल होती है। मेल के अंदर क्लेस्टर पाया जाता है, एयर ब्लैडर नहीं होता है। इस क्लास को दो सब क्लासेज में डिवाइड किया गया, सिलीची और होलोसिफेलाई। सिलीची के अंदर आती है जो शार्क और रेज जो होती है वो सिलीची में आती है, इनमें पेट्रोल फिन पाया जाता है। इसका एक ऑर्डर है प्लूरोट्रिमेटा, दो सब ऑर्डर है प्लूरोट्रिमेटा, इनके अंदर पेट्रोल फिन वेल डेवलप्ड होता है और गिल्स जो होते हैं लेटरल साइड में होते हैं।
लेटरल साइड में होते हैं, इसीलिए इसको प्लूरोप्रिमेटा कहते हैं। तो इसके अंदर आते हैं शार्क, स्क्लेरोडॉन, स्पिना, स्टिगोस्टोमा, राइनोडॉन, टाइफस, वेल शार्क। दूसरी इसका सब ऑर्डर है, ये इसका मैं सारे शार्क के डायग्राम है। दूसरा सब ऑर्डर है हाइपोट्रिमेटा, हाइपो का मतलब होता है नीचे, यानी इनमें गिल स्लिट्स जो होते हैं वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं, गिल ओपनिंग, इसीलिए इसको हाइपोट्रिमेटा में रखा है। इसमें स्कैट्स और रे जाती है। बॉडी जो होती है इनकी फ्लैट होती है, जैसे प्रिस्टीज है, राइनोबेटस है, कॉमन एग्जाम्पल टॉर्पिडो है या स्लाजा है, ट्राइगन है, ये सारी स्कैट्स और रे हाइपोट्रिमेटा सिलीची में आती है। कॉन्ट्रीब्यूटिव फीचर है, बॉडी फ्लैट होती है, ये प्रिस्टीज है, सॉफिक, इनके नीचे की तरफ गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। अब आती है इसकी दूसरी सब क्लास। पहली सब क्लास कॉन्ट्रीब्यूटिव की थी सिलीची, दूसरी है होलोसिफिलाई। होलोसिफिलाई ऐसी क्लास है शास्त्रियों जिसके अंदर कंकाल तो उपास्थिका बना होता है, लेकिन इनके अंदर ओपरकुलम पाया जाता है, यानी ये कैरेक्टर ऑस्टिफिटिस फिशेज का है। इसीलिए इसके लिए एक लाइन में बता सकते हैं कि यह कनेक्टिंग लिंक है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूटिव और ऑस्टिफिटिस। इसका एग्जाम्पल है काइमीरा या रेड फिश, किंग ऑफ बेरिंग्स भी बोलते हैं इसको। तीसरी क्लास है ऑस्टिफिटिस जिसकी बॉडी फिशेज आती है, ये मैराइन होती है या फ्रेश वाटर होती है या ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। इनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं साइक्लॉइड, टीनोइड या गैनॉइड होते हैं, जबकि कॉन्ट्रीब्यूटिव में प्लेकोट स्केल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन बोनी होगा, कॉन्ट्रीब्यूटिव में कार्टिलेजिनस का होगा। माउथ इनमें टर्मिनल होगा, उनमें वेंट्रल होता है। ओपरकुलम पाया जाता है, उनमें एब्सेंट होगा। इसमें क्लैश पर एब्सेंट होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। पूंछ जो होती है होमो सर्किल होती है, दोनों भुजाएं बराबर पाई जाती है, इसीलिए होमो सर्किल टेल होगी। इसको दो सब क्लासेज में डिवाइड किया गया, प्रोसोप्टेरिजी और एक्टिनोप्टेरिजी। प्रोसोप्टेरिजी में आता है लॉब्ड फिन फिशेज, इनके फिश के जो फिन्स होते हैं वो लॉब्ड होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से एम्फीबिया की ओरिजिन हुई। इसके दो ऑर्डर्स है, एक है राइपिस डिस्टिया जिसके अंदर लेटीमेरिया आती है। लेटीमेरिया को कहते हैं लिविंग फॉसिल, द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल लेटीमेरिया फिश है ये अफ्रीका में। दूसरा इसका है डिप्नोई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डिप्नोई के अंदर आती है लंग फिशेज, ऐसी मछलियां जिनमें फेफड़े या वायु श्वसन पाया जाता है, इसलिए डिप्नोई में रखा गया। डी डाइप्नोई, यानी डाई का मतलब टू, नोई का मतलब रेस्पिरेशन, डुअल रेस्पिरेशन होते हैं। इस ऑर्डर के अंदर केवल तीन जीनस पाए जाते हैं, नियोसेरेटोडस, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, प्रोटोप्टेरस, अफ्रीकन लंगफिश और लेपिडोस आयरन, अमेरिकन लंगफिश। अब आती है दूसरी सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी, इनको कहते हैं रे फिन फिशेज, इनके फिन्स के अंदर रेज पाई जाती है, इसीलिए इसको रे फिन फिशेज कहते हैं। इसको तीन इंफ्रा क्लासेज में बांटा गया, कॉन्ड्रिस्टी, ओलियोस्टी और इलियोस्टी। इलियोस्टी के अंदर 12 ऑर्डर होते हैं जिनको आपको बताना है। साइक्लिनिफॉर्मिस सबसे बड़ा ऑर्डर है, एंगुलिफॉर्मिस, बिलोनिफॉर्मिस, सिंग नेक्टिफॉर्मिस, सिंग ब्रैंकिफॉर्मिस, पार्सिफॉर्मिस, प्लूरीफेक्टोफॉर्मिस, इकाइनिफॉर्मिस, ऑफिलोसिफेलिफॉर्मिस जिसमें ऑफिलोसिफेलस या तना आता है, टेट्राडोन्टिफॉर्मिस और गैडीफॉर्मिस, ये 12 ऑर्डर पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज। तो कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज में क्या डिफरेंस होगा, तो अपन टेबल में अभी देखा था। पहले स्केल्स लेपर्ड होते हैं, साइक्लॉइड या पिनॉइड होते हैं, माउथ वेंट्रल होगा, इनमें टर्मिनल होगा, पूंछ हेट्रो सर्किल होती है, पूंछ होमो सर्किल होती है, गिल स्लिट्स 5-7 पेयर्स होते हैं, गिल से 4 पेयर्स और गिल स्लिट्स 1 होता है, ओपरकुलम एब्सेंट होता है, ओपरकुलम पाया जाता है। इनके अंदर एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, थर्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इनमें लेटरल लाइन पाई जाती है, रिप्रोडक्शन इंटरनल होता है, रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होता है। ये माउथ टर्मिनल, माउथ वेंट्रल, गिल स्लिट्स 5 पेयर नेकेड होते हैं, गिल्स 1 पेयर होता है जो ओपरकुलम से कवर होता है, पूंछ होमो सर्किल है, पूंछ हेट्रो सर्किल है, स्केल्स साइक्लॉइड टीनॉइड स्केल्स होते हैं, इसमें प्लैकोइड स्केल्स होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फिश का क्लासिफिकेशन। धन्यवाद। हाँ।